अपने घर में आएंगे तो फटे हुए पजामे ही मेरे मिलेंगे। वक्त पा देंगे जालिम सरकारानू, ऐसे वक्त पा देंगे जालिम सरकारानू। अब गधों को धोकर कोई घोड़ा थोड़ा बना सकता है कि साबुन लगा दे तो डायरेक्ट बिजली वालों को गधा कहा है आपको मालूम है? मेरे रामनगर का एमएलए है वो तो पंच भी नहीं बन सकता था। अब नाम आपने पूछा है जो बीजेपी का एमएलए है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूँ यार। आप सुबह सुबह मुझे नाम लेने के लिए कहेंगे तो सारा दिन हो सकता है रोटी ना मिले। बर्फ पड़वा सकते हैं, और नहीं भी पड़ेगी ना। क्या किसी की मजाल के कोई कह जाए कि बर्फ नहीं पड़ी है? जो कहेगा बर्फ जनाब पड़ी नहीं, वो कहेगा डालो इसको जेल में, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो वो है टुकड़े टुकड़े गैंग का है, ये हमारी बात नहीं मानता है, ये बर्फ पड़ी है यहाँ और ये कह रहा है बर्फ नहीं पड़ी है। पिछले कुछ दौर से देख रहे हैं, मतलब गुस्सा आपका जो हाईलाइट हो रहा है, हर मीडिया चैनल यही दिखा रहा है, हर्षदेव सिंह जी को गुस्सा आ रहा है। जम्मू के जो लीडर्स हैं, आपका नाम जोड़ा जाता है, लाल सिंह जी का नाम जोड़ा जाता है, एडवोकेट अंकुर जी का नाम जोड़ा जाता है कि साथ में आके मिलना चाहिए या इन फेसेस को आगे लाना चाहिए, कुर्सी का लालच होगा या कहेगा कि सबसे बड़ा ओहदा किसका होगा, इस ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मतलब सारे जो है इकट्ठे नहीं आ पाते। हमें भी पता चले हर्षदेव सिंह जी के दोस्त कौन है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको भी अंदर कराओगे क्या? नहीं नहीं, मेरी कहां इतनी सरकार थोड़ी है मैं अंदर कराऊंगा। आरएस पठानी साहब तो नहीं यार, जो भी है उसका क्यों कहते हो, उसका नाम मेरे कानों में भी मत सुनाया करो आप। क्यों? क्योंकि आपको भी दिन को खाना नहीं मिलेगा आपने नाम लिया तो। है ऐसा है क्या मतलब? सब वक्त एक पत्रकार के साथ आपकी इतनी झड़प हो गई, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर डाला आपने। हर्षदेव के साथ जो दिखेगा उसको जेल में बंद कर देंगे, उसके खिलाफ FIR लगाए देंगे। इसका मतलब मैं भी कल को जेल में मैं भी तो दिखूंगा ऑन कैमरा। आप भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। चिंता नहीं करनी के इस एपिसोड में आज हमारे साथ वो शख्स है जो शायद से बोलते वक्त ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, जो भी दिल में आता है बेबाकी से बोल देते हैं और कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं जिसकी वजह से हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं, लेकिन हमेशा से जब भी बात आती है जम्मू की तो आवाज़ उठाने के लिए सबसे आगे होते हैं। हर्षदेव जी है मेरे साथ, पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन। सर वेलकम टू द बकलोल टीवी। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, मैंने पर्सनली आपको देखा है, आपकी ना मैक्सिमम हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमेशा मतलब बोलते रहते हो, कभी बोर नहीं हुए इतने सालों से बोलते जा रहे हो, आज तक बोरी इतनी हुई? देखिए आवाज़ उठाने का काम ही तो एक लीडर का होता है। हाँ। कि जहाँ जहाँ भी वो गलत देखे उसके बारे में आवाज़ उठाए, तो गलत तो हर रोज़ हो रहा है। नहीं लेकिन फिर भी एक होता है ना, ठीक है लीडर है लेकिन है तो अंदर से इंसान है। रोज 11 बजे अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे 10 मीडिया चैनल जाते हैं, सबको अलग अलग बाइट भी देते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, बिल्कुल तो नहीं होते बोर? बिल्कुल, इसमें लोगों के मसले उठाने में मुझे कोई बोरियत नहीं लगती है, बल्कि एक संतुष्टि भी मिलती है कि मैं लोगों के मसलों को उबार रहा हूं और जो उनकी परेशानियां हैं उनको उजागर कर रहा हूं, इंतज़ामिया तक पहुंचा रहा हूं, प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन है। बड़ी बात यह है कि बाकी के नेता जो है ना, वो उनका साइड बिजनेस है पॉलिटिक्स। अच्छा। क्योंकि वो करते हैं, सारे के सारे व्यापारी भी हैं, किसी की शराब के ठेके हैं। कौन जैसे एक आधे नाम हो जाए? देखिए बहुत सारे हैं, कोई एक आध बता दो ना फिर हमें पता चल जाए। अरे यार क्या बात करते, किसके नहीं है अब किस किस का नाम मुझे क्या पता, एक आध बोलना पड़ेगा। अच्छा 10-10 बिजनेस जिन लोगों ने खोले हुए हैं। अच्छा। वो सियासत में इसलिए है ताकि अपने बिजनेस को बचा सके। अच्छा। और जो है साथ साथ में जो है ये साइड बिजनेस करते हैं। मेरे लिए पहला और आखिरी मकसद जो है वो लोगों की खिदमत करना है। आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, धंधा वगैरह कुछ भी नहीं है साइड में? मेरा यही सब कुछ है, लोगों की सेवा करना। इससे मुझे जो सुकून मिलता है, मुझे लगता है कि दुनिया की किसी दौलत में नहीं हो सकता। और ये जो पैसे वाले लीडर हैं ना, इनको हमेशा ये लगा रहता होगा कि पता नहीं कब CBI आएगी। अच्छा। कब एंटी करप्शन आएगी, आपको ये कब विजिलेंस आएगी, ये वाली टेंशन। मेरे घर में आएंगे तो फटे हुए पजामे ही मेरे मिलेंगे।
और कुछ और मुझे इसलिए किसी बात की चिंता नहीं है। मैं मस्त होकर लोगों गरीब लोगों के साथ चलता हूँ, किसानों के साथ चलता हूँ, मजदूरों के साथ चलता हूँ, नौजवानों के साथ चलता हूँ और उनकी परेशानियों को उजागर करता हूँ, और उससे जो मुझे संतुष्टि मिलती है वो किसी दौलत में नहीं। चलो क्या बात है, ये तो बहुत मतलब स्पिरिचुअल बात होगी, बहुत इंटेलेक्चुअल खूबसूरत बात होगी। लेकिन देखो मैं आपको ना पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत सालों से मैंने आपके वैसे भी इंटरव्यूज किए हैं, आप हमेशा खुश मिजाज रहते हो अभी भी, लेकिन ये पिछले कुछ दौर से देख रहे हैं मतलब गुस्सा आपका जो हाईलाइट हो रहा है, हर मीडिया चैनल यही दिखा रहा है हरदेव सिंह जी को गुस्सा आ रहा है, ये क्यों क्यों आ रहा है गुस्सा हरदेव सिंह जी को? क्योंकि देखिए जब जब जाती जुल्म बढ़ता जा रहा है जाएगा ना तो हर्षदेव का पारा भी बढ़ेगा। क्योंकि जुल्म जोर जबरदस्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो भी जुल्म करेगा उसको नेस्ता नाबूद करेगा हर्षदेव। ये मैं ये मेरी ये लाइफ मैंने इसी को मैंने समर्पित की है पीपल्स कॉज के लिए। अच्छा, और अगर मैं लोगों को मुसीबत में देखता रहूं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनके साथ इनजस्टिस की जा रही है, उसके बाद भी मैं मस्त रहूँगा बाकी लीडरों की तरह, तो मेरे में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? वो बड़े खुश रहते हैं, वो जब देखते हैं कि गरीब को पकड़ के पुलिस वाला अंदर ठोक रहा है, अच्छा देख लेंगे यार, तो हर्षदेव तो ये बर्दाश्त नहीं करता है, हर्षदेव तो पकड़ता है उन पुलिस वालों को भी जो ज़्यादती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो शाबाशी भी देता है। जो ऑफिसर काम करने वाला होगा ना उसको मैं प्रमोट करता हूँ हमेशा, लेकिन जो ऑफिसर भ्रष्ट है, जो लोगों के साथ गलत करता है, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक अदा नहीं करता है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना बहुत लाजमी है, ये मैं समझता हूं। चलो मतलब अगर सरकार के खिलाफ बोली या तब थोड़ा सा गुस्सा हो गए वो भी ठीक है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले ऐसा वक्त है एक पत्रकार के साथ आपकी इतनी झड़प हो गई, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर डाला आपने? नहीं नहीं, प्रोटेस्ट तो किसी के खिलाफ नहीं हुआ, किया था शायद। देखिए देखिए पत्रकार भी जब आते हैं तो मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा यार पत्रकार आप बन जाते हो ऐसे ही, वो उठाया एक डंडा उठा के ले आए और आप पत्रकार बन गए, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो, थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लिया करो तो अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, और ऐसे ही चले आते हो ना दुनिया का मैं पता है क्या हो रहा है, ना इंतज़ामिया के बारे में कुछ जानकारी है, ना सिस्टम के बारे में जानकारी है, ना पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या है उनके बारे में जानकारी है, ना मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ इस मकसद से आना कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा हुआ है यहाँ कि जाकर हर्षदेव को उल्टे सीधे सवाल पूछो, तो वो तो बात जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे से सवाल पूछने हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा नहीं, अगर कोई दूसरे जैसे ये जो है जैसे ये जो चिंता नहीं करने वाले लीडर हैं या जो जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं, जैसे उनके साथ आप जो मर्जी सवाल कर लो, और जो लीडर करता कुछ नहीं है ना, जिसको पता है वो भ्रष्ट भी है, काम भी नहीं करता है, उसको आप जो मर्जी कहेगा वो कहेगा जनाब ठीक है, लेकिन एक सच्चा आदमी जो है जो ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है और अपने दिल से लोगों के लिए मेहनत करता है, जब भी उसको लगेगा कि कोई गलत है, गलत ना मैं करता हूँ ना मैं बर्दाश्त करता हूँ, ये बोलते हैं ना कि एक नेता का और जर्नलिस्ट का तो मतलब चोली दामन का साथ होता है ना, उसके बाद जितनी बार भी आपकी मतलब तूतू मैं हो गई झड़प, उसके बाद मुलाकात हुई, उसके बाद बातचीत हुई, आ जाए यार मैंने कौन सा रोका है उसको जो भी हो, सीधी बात करूं एक आपकी सबसे पहली जो मतलब हाईलाइट हुई थी ना वो ललित, मैं अपने दिल में जो बात होती है ना सूर्या जी के साथ हुई थी आपकी। हाँ देखिए, जो दिल में मेरे में बात होती है मैं उसको निकाल देता हूँ, मैं दिल में नहीं रखता कि मेरे मैं अच्छा जी मैं कोई वो निष्कीमे नहीं बनाता रहता हूँ, मैं जो दिल में बात है मैं साफ उसी वक्त मैं कर देता हूँ हिसाब किताब बराबर, मैं कुछ उधार किसी का नहीं रखता, किसी का उधार नहीं रखता। कभी ऐसा हुआ कि गुस्से में, कभी होता है ना हर किसी इंसान के साथ होता है गुस्से में, कभी बोल दिया कुछ बाद में अफसोस हुआ कि यार ये चीज मैंने ज्यादा बोल दी? नहीं, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मैं सही बोलता हूँ, आज तक मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नहीं हुआ कभी, क्योंकि गलत किया ही नहीं भैया। अच्छा, जब गलत किसी के साथ गलत किया ही नहीं, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ना मैं गलत करूँ और ना मेरे साथ कोई गलत करे। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी मेरे साथ गलत करेगा तो हर्षदेव चुप नहीं बैठेगा। सच्चा और ईमानदार आदमी कभी किसी से नहीं डरता, सिर्फ रब से डरता है, और ईमानदारी के साथ नेकी के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है हमेशा। ये वो लगता है हर्षदेव जी ने बचपन में प्रेयर पढ़ते थे, हम नेकी की राह पर चलना वो ज़्यादा सीरियसली ले लिया, लेकिन जैसे आपने बात की ना कुछ लीडर होते हैं अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनको चलता है,
तो ऐसे ही कुछ दिन पहले एक बयान आया था, आपने सुना था, जैसे गर्मी तो फिलहाल बहुत पड़ रही है, हम बाहर बैठे हुए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जम्मू में बर्फ भी पड़े। बयान तो सुना ही होगा आपने। जी सुना। तो क्या लगता है, बर्फ पड़ने के आसार हैं? देखिए, इनसे आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं कि ये कुछ भी कह सकते हैं। बर्फ पड़वा सकते हैं। और नहीं भी पड़ेगी ना। क्या किसी की मजाल के कोई कह जाए कि बर्फ नहीं पड़ी है? जो कहेगा बर्फ जनाब पड़ी नहीं, वो कहेगा डालो इसको जेल में, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो वो है टुकड़े टुकड़े गैंग का है, ये हमारी बात नहीं मानता है, ये बर्फ पड़ी है यहाँ और ये कह रहा है बर्फ नहीं पड़ी है। तो उसके लिए आप जो है वो कुछ भी उम्मीद इनसे रख सकते हैं, और जो ये कहते हैं वो बाकी लोगों को मानना पड़ता है। अच्छा, आप तो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे ना अपने टाइम पे, आपने कितने, मेरे ख्याल से 19 डिग्री कॉलेज कुछ नए दिए थे, 22 डिग्री कॉलेज दिए थे। तो जब आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, फिलहाल जैसे अगर अभी आप नहीं है सत्ता में, कुछ भी आपका दिनचर्या रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, हो जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर जब होता है इंसान, क्या रहता है दिनचर्या, मतलब क्या करता है वो? देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ा विभाग है जम्मू कश्मीर में, जितने भी विभाग हैं 29 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ग्रांट्स असेंबली में पेश होती हैं, और उनमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो दिनचर्या हमारी क्या रहेगी, दिनचर्या क्या, रातचर्या भी वही रहती है जो दिनचर्या रहती है। क्या होती है? आपको दिन और रात को काम करना पड़ेगा अगर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाना होगा। अगर आप सो जाएंगे ना तो मैं कहता हूँ कि पूरा डिपार्टमेंट जो है, हाँ वो कहते हैं ना भट्ठा बैठ गया, वो भट्ठा बैठ जाएगा, वो पूरे अनिश्चितता नाबूद हो जाएगा। और जिस वक्त मैंने संभाला था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था एक ऐसे जैसे बीमार हाथी पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, ये हाल था इसका। इतनी अटैचमेंट्स थी और बहुत सारे स्कूल बंद थे और बहुत सारी प्रमोशन पेंडिंग थी, मतलब तो दिन और रात काम करना पड़ता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अपनी दिनचर्या के लिए तो नहीं सोच सकता है आदमी, उसमें आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप जो लंबित काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, बहुत सारी फाइलें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनको किस तरीके से आपको डिस्पोज ऑफ करना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। एक बार, लेकिन ये यहाँ से मुझे याद है, एक बार आपकी कोई वीडियो भी वायरल हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैडम के साथ, वो क्या किस्सा रहा था? कौन सी मैडम के साथ? एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक मैडम थी, उनके साथ कुछ वीडियो वायरल हुई थी। डायरेक्टर के साथ? डायरेक्टर के साथ, जी। नहीं, वो तो अभी थी ना, जब वो डायरेक्टर थी और मैं बाहर था। उन्हें पूरा मुद्दा क्या हुआ था वो? नहीं, वो कुछ अटैचमेंट की थी, तो वो कहती थी अटैचमेंट मैंने नहीं की हुई है। अच्छा। और फिर अगले दिन ये खुलासा हुआ कि 28 अटैचमेंट तो उनके अपने दफ्तर में थी। अच्छा। हाँ, तो फिर वो कहती थी वो अटैचमेंट मैंने कोई नहीं किया है। बाद में निकली वो? बाद में वो 28 निकली कि जो अपने ही दफ्तर में की हुई थी टीचर्स की। तो मैं तो ये कहता था भाई टीचर्स का काम दफ्तरों में बैठना नहीं है या अफसरों का झोला उठा के चलना नहीं है, टीचर्स का काम तो पढ़ाई करना है और बच्चों को पढ़ाना है, उनको बेहतर तालीम मुहैया करवाना है। और इसी तरीके से टीचर्स जो हैं अटैच जो किए हुए हैं तो संदर्भ में तो हो जाता है। जब आपको निज़ाम को सुधारना होगा ना, थोड़ा बहुत आपको डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप करते हैं डंडे का इस्तेमाल? करना पड़ता है। थोड़ा सा सख्ती भी करना पड़ती है। क्योंकि देखो, सारे जो ऑफिसर हजरात हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। बहुत सारे ऑफिसर हमारे अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो ये परवाह नहीं करते, उनका भी वही है चिंता नहीं करनी। हाँ, कुछ हो या ना हो, थोड़ा सा फिर उनको बताना पड़ता है। आप मतलब सख्त स्वभाव के भी हैं, ऐसे भी हैं, तो घर पे भी यही सख्त स्वभाव रहता है या वहाँ पे? मेरे जैसा नरम भी कोई नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सख्ती भी करनी पड़ती है। अच्छा, तो घर पे होती है वैसे पॉलिटिक्स की बात घर में बेटे के साथ या फैमिली के साथ, या उधर पॉलिटिक्स छोड़ देते हो जब घर में एंटर करते हो? तो हर्षदेव सिंह जी क्या करते हैं? नहीं, वो भी इसी फील्ड में काम करते हैं। मेरा बेटा लॉ कर रहा है, एक ने इंजीनियरिंग की है, एक लॉ कर रहा है, वो भी लॉ और पॉलिटिक्स, तो ये कहते हैं दे गो टुगेदर। और मैडम भी जो है वो बहुत हाथ बटाती हैं और उन्हीं की वजह से जो है मैं चल पा रहा हूँ आज की तारीख में। वरना बीजेपी ने तो सबको डराया हुआ है लोगों को आज की तारीख में। हर्षदेव के साथ जो दिखेगा उसको जेल में बंद कर देंगे, उसके खिलाफ FIR
बाहर लगाए इसका देंगे। मतलब मैं भी कल को जेल में मैं भी तो दिखूंगा ऑन कैमरा। आप भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। नहीं अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि फैमिली भी पूरी पॉलिटिक्स में ही है, आप भी बचपन से पॉलिटिक्स में थे, लेकिन अगर पैंथर्स पार्टी की अगर हम बात करें तो आपको लगता पिछले कुछ समय से थोड़ी सी मतलब डामाडोल, क्योंकि मनकोटिया साहब भी छोड़ के चले गए? देखो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉलिटिक्स में लोग आते हैं जाते हैं, तो हमारे तो दरवाजे खुले रहते हैं, तो आपको जो कोई आना चाहता है वो आ जाए, जो जाना चाहता है वो चला आपको जाए। रीजन मालूम है कि मतलब क्यों छोड़ कर गए? क्या देखिए, बड़े सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, हर पार्टी में ऐसा होता है, कुछ लोग जो सोचते हैं कि उनको दूसरी जगह जाके कोई अच्छा उनका बन सकता है, तो वो उनको अधिकार है कि वो जाएं, और ग्रीनर पास्चर्स जिन्हें कहते हैं ना, सब घास दूसरी जगह ज़्यादा नज़र आता है कई बारी, और आदमी सोचता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ मेरी ज़्यादा सेहत बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मनकोटिया साहब ने तभी तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। चलो उनके लिए मैंने नहीं कहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक आदमी को ये है, हक है कि वो कहीं भी आ जा सकता है। अब सारे हर्षदेव थोड़े हैं जो जिस जगह पे खड़े हैं तो वहीं खड़े रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मनकोटिया साहब कोई एक पार्टी है जो ज्वाइन करेंगे आपके हिसाब से, मतलब एज अ पॉलिटिकल पर्सन, नॉट एज अ कजन ब्रदर और कुछ भी? मतलब मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब मनकोटिया साहब ये छोड़कर गए थे, ये सारा सिलसिला चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपका एक बयान ये भी सुना था कि बीजेपी ने आपको भी प्रलोभन दिया था। हाँ, दिया था। हाँ बिल्कुल, वो तो सबको प्रलोभन देते हैं ना, बीजेपी वाले किसको प्रलोभन नहीं देते हैं कि आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, आपको हम यहाँ ज्यादा खीर खिलाएंगे, है ना। खीर कौन सी, सूर्यवंशम वाली खीर तो नहीं? सूर्यवंशम फिल्म देखी आपने, अमिताभ बच्चन की? नहीं मैंने नहीं देखी, जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल होता है, बाप बेटा खीर खिलाते हैं। नहीं वो नहीं मैंने देखी। फिल्में वगैरह देखते हैं वैसे? बहुत देर हो गई है देखे हुए। लास्ट फिल्म कौन सी थी? अब याद नहीं रहा, ये भी मुझे, याद नहीं। अब मुझे याद नहीं रहा कौन सी देखी थी। लेकिन अब 3-4 साल, 2 साल से तो कहाँ फिल्में चल रही है यार, 2 साल से तो ये कहते हैं जी कोरोना है, आप लोग तो इकट्ठा भी नहीं हो सकते हो, तमाम जो है। हाँ वो तो वैसे दोस्त वगैरह हैं कौन आपकी जिंदगी में? दोस्त मेरे गरीब लोग हैं ज्यादा। ये नहीं, ये तो पॉलिटिकल बंदे वाला आंसर हो गया ना, मेरे को सच्चे बंदे वाला चाहिए। मेरी दोस्ती तो जो होती है ना वो हमेशा गरीब के साथ होती है, मजदूर के साथ मेरी दोस्ती है, गरीब के साथ मेरी दोस्ती है, अच्छा, किसान के साथ मेरी दोस्ती है, जो अपने पॉलिटिकल जो पैसे वाला है उसके साथ मेरी कभी नहीं बनी। पॉलिटिकल पर्सन है जितने भी, अगर दूसरी पार्टी की बात कर ले, हैं कोई दोस्त वगैरह जिनके साथ गप्पे शप्पे हो जाती है कभी? देखिए दूसरी पार्टी के लोग भी तो इंसान है, उनके साथ बिल्कुल होती है उसके साथ बातचीत, और उनका भी हमें एज एन इंडिविजुअल एहतराम है, बेशक पॉलिटिकल फिलॉसफी उनकी के साथ हम सब्सक्राइब ना भी करें, लेकिन बतौर एक हर पार्टी में हमारे दोस्त हैं, हर पार्टी में। एक आधा नाम बता दो। नहीं नहीं हर पार्टी, नहीं नहीं अगर एक नाम लूंगा तो बाकी नाराज न हो जाएंगे मेरे भाई। नहीं होते ऐसी बात, वो समझ जाते हैं, बहुत लोग हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो समझ जाते हैं। हर एक पार्टी में है, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, एनसी में भी हैं, पीडीपी में भी हैं, नाम नहीं बताओगे? हर पार्टी में है, दोस्त हैं हमारे जो हैं। अच्छा ऐसा होता है कि मतलब कभी किसी मुद्दे को लेकर आपस में बहस हो रही है पॉलिटिकल पर्सन की कहीं पे भी, तो बाहर जाके चाय साथ में पी रहे हो और फिर बाद में बोला कि यार मीडिया के सामने तू ऐसे बोल रहा था, नहीं बोलना चाहिए था, कभी ऐसा किस्सा हुआ कोई? मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। नहीं ऐसे मतलब बाद में चाय पे डिस्कशन हो। होती है हाँ चाय पे बैठने में कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि तूने ऐसा क्यों कहा, जो उसको ठीक लगता है वो कहे, जो हमें लगता है हम कहते हैं। मतलब आप नाम नहीं बताएंगे, सीधा सीधा बताओ कि नाम नहीं बताओगे आप? नहीं मैं यही बता रहा हूँ आपको कि दोस्ती तो है और बहुत लंबी फिरिस्त है, बहुत लंबी फिरिस्त है। एक आधा नाम बता दो ना, हमें भी पता चले हर्षदेव सिंह जी के दोस्त कौन है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में। नहीं उनको भी अंदर कराओगे क्या? नहीं नहीं मेरी कहा इतनी सरकार थोड़ी है, मैं अंदर कराऊंगा। अच्छा वैसे आज हम यहाँ पे आपके पार्टी दफ्तर में बैठे हुए, पहले घर में होते थे वहाँ पर, तो वो क्या हुआ? घर से मुझे निकलवा दिया इन्होंने, जो मेरा अपना घर तो कहीं है नहीं है। और हमारा जो पिताजी ने मकान बनाया उधमपुर में, वहाँ मेरे 2 भाई रहते हैं आजकल, मैं कभी कभी जाता हूँ तो उनके साथ ही रहता हूँ मैं, तो मैंने अपना कोई घर नहीं बना है। यहाँ रहता था मैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था मैं,
और वहाँ से इन्होंने कहा कि हर्षदेव को बाहर निकाल दीजिए, और स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि और किसी को निकालो या ना निकालो, लेकिन हर्षदेव को बाहर निकाल दो। मैंने कहा चलो इनको संतुष्टि होती है तो कोई बात नहीं, मैं खाली कर देता हूँ। खाली कर दिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए मैंने, हाँ मैंने खाली कर दिया, और चलो सेटिस्फेक्शन शायद इनको हो जाए उससे। अच्छा ये हर्षदेव जी एक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री की सैलरी होती है क्या? नहीं, इसकी कोई सैलरी नहीं होती है। इसकी सैलरी नहीं होती है। एक्स जब कोई भी मिनिस्टर हो जाए तो उसकी सैलरी नहीं होती है। हाँ अलबत्ता पेंशनें मिलती हैं तमाम एमएलए को और मंत्रियों को। आप भी तो एमएलए रह चुके थे ना रामनगर के? हाँ हाँ, मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ। तो अभी पेंशन मिलती है उस चीज़ की? बिल्कुल मिलती है, पेंशन से ही है मेरे। मैंने आपको कहा मेरा कोई काम धंधा नहीं है, कभी कभार कोर्ट में चला जाता हूँ और कभी कभार पिटीशंस भी लिख देता हूँ वकील जो हमारे साथी है उनके लिए। तो अपना गुजारा तो करना है, परिवार का गुजर बसर करना है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है जैसे मैंने आपको कहा। और जो अपना गुजर बसर करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार तो करना पड़ा। इस पापी पेट का भी सवाल है कि इसको पूरा करना है। मेरी कोई अपेक्षाएं या आकांक्षाएं नहीं है कि मेरे पास कुछ हो। मेरे पास अपना मकान नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं खुश बड़ा हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे तसल्ली होती है लोगों के लिए कुछ करना। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप साधु वाधु बन के पहाड़ों के बीच में कहीं मॉनसून करने का इरादा तो नहीं? और फोटो नहीं नहीं, देखिए साधु साधु जो है ना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी तपस्या जो है उस रब की सबसे बड़ी इबादत है लोगों की सेवा करना, और वो सेवा मैं कर रहा हूँ लोगों की, और उससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। ये नहीं है मेरा कि राम राम जपना और पराया माल अपना, जो साधु की बात नहीं मैं करूँगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका ये रहता है राम, उन्होंने भी माला रखी होती है। अच्छा। और माला रख के मैंने देखा बहुत सारे लीडर जो हैं और क्या क्या रखा होता वो माला ऐसे गिन रहे हैं, मन के गिन रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कितने पैसे कहाँ से हमको तोड़ने हैं। मतलब ये है वो है, ये है ये है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे पहाड़ों में जाने से कोई फायदा नहीं है। कौन से पहाड़ों? लोगों की सेवा करना जो है वो सबसे बड़ी इबादत है उस रब की जो मैं करता हूँ। कर्म ही मेरा धर्म है, मैं इसमें। हाय क्या बात है, ये तो टैगलाइन दे दिया आपने। अच्छा जैसे आप पेंशन की बात चल रही थी ना, वो कहते हैं कि 3 चीजें जो है, एक लड़की की उम्र, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स, और एक बंदे की सैलरी जो है वो कभी नहीं पूछनी चाहिए। तो ऐसे में थोड़ी जरूरत कर सकता हूँ? नहीं आपने जो पेंशन, हाँ ये नहीं पूछना चाहिए आपको, क्योंकि पेंशन सबको बराबर की मिलती है। जितने बाकी लोग लेते हैं उतनी पेंशन आप लेते हैं, तो उसका पूछ के आप क्या करेंगे, और उसका भी आप मजाक ही बनाएंगे यार क्या करते हो आप, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? अजय जी वैसे ना मेरे को ऐसे मजाक से याद आया, एक बार हमने भी आपकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, मैंने सुनने में आया था, आपने वो देखी थी? हाँ देखी थी। पता नहीं मुझे याद, एक्चुअली मुझे देखने का वक्त कम मिलता है। हाँ। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं वीडियो किसी की नहीं दे, लेकिन हाँ। लोग मुझे सुना देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या वीडियो चल रही है, और मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो लोगों के बीच में ही गुजरता है। हाँ। और लोगों की समस्याएं देखने में बहुत कम, मैं अपना वीडियो भी कभी देख नहीं पाता हूँ। ये वाला देखोगे नहीं देखोगे? हाँ ये अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर देखना पड़ेगा जी। अच्छा हर्षदेव जी, जैसे हमने आपके पार्टी दफ्तर के अंदर एंटर किया, बाहर एक गाड़ी पड़ी हुई है, ये भीमरथ। हाँ बहुत दिनों से यहीं पे, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये क्यों है? ये इसके पीछे की कहानी क्या है? ये देखिए एक जमाने में ये बनाई गई थी, लेकिन अब इसकी मरम्मत करने के लिए भी जो है वो पैंथर्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, क्योंकि हम भी लोग लगे रहे मरम्मत करने में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा। इसकी मरम्मत करने में आप कह सकते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला। अच्छा बीजेपी हाँ। की मरम्मत कर रहे थे तो हाँ। अपनी गाड़ी की मरम्मत नहीं कर पाए, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात है बिल्कुल। अच्छा अगर अभी की बात करें हम, जैसे कि पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू में बना हुआ है, बहुत सारे जम्मू के अगर युवा भी हैं है ना, हमेशा ये कहते हैं आपका नाम बीच में आता है कि जम्मू के जो लीडर्स हैं आपका नाम जोड़ा जाता है, लाल सिंह जी का नाम जोड़ा जाता है, एडवोकेट अंकुर जी का नाम जोड़ा जाता है, कि साथ में आके मिलना चाहिए या इन फेसेस को आगे लाना चाहिए। अगर कभी हुआ, हो सकता है कि फ्यूचर में आप साथ में आ सकते हो क्या सारे जम्मू के लीडर्स? आना चाहिए, इसमें क्या बुरा है? लेकिन मैं डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आएंगे भी तो होगा ये कि कुर्सी का लालच होगा या कहेगा कि सबसे बड़ा ओहदा किसका होगा, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मतलब सारे जो है इकट्ठे नहीं आ पाते, ये रीज़न है? देखिए कुर्सी का लालच होता तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो ऑफर दे रही थी और जिनकी टिकट लेकर जो गधे भी एमएलए बन गए,
है ना, वो तो आप बताओ ना कौन गधा कौन एमएलए बना। मैं क्या आपको बताऊं, जो लोग देखो बीजेपी में, मैं आपको पूछूं कि अपने गांव की इलेक्शन भी लड़ने के ये लोग काबिल नहीं थे, या अपने गांव की इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे। कौन से मेरे रामनगर का एमएलए है वो तो पंच भी नहीं बन सकता था। अब नाम आपने पूछा है, जो बीजेपी का एमएलए है मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूँ यार। आप सुबह सुबह मुझे नाम लेने के लिए कहेंगे तो सारा दिन हो सकता है रोटी ना मिले। सही आपको बताऊं तो मैं उसका नाम नहीं लेता हूं। आपको बताया बीजेपी का एमएलए कौन रहा रामनगर का, कौन उस साइड? तो ऐसे लोग जो हैं जो पंच भी बन नहीं सकते थे वो आरएस पठानी साहब ने यार जो भी है उसका क्यों मैं कहते हो उसका मेरे नाम मेरे कानों में भी मत सुनाया करो आप। क्यों? क्योंकि आपको भी दिन को खाना नहीं मिलेगा आपने नाम लिया तो। है ऐसा है कि मतलब कोई साया वाया है क्या, मतलब कुछ ऐसा? ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। अजय जी आपने शुरुआत में कहा था मैं किसी से नहीं डरता हूँ, अभी आपने कहा कि ये नाम लोगे तो क्या पता खाना में नहीं सीखना, आप डरते हो क्या? मैंने आपको आपको कह दिया जितनी बात मैंने कहनी थी उतनी बात कह दी। चलो ये भी ठीक है, जो पॉलिटिशियन होता है नपितोली बात करता है। एक और सवाल पूछूंगा मैं यहाँ से कि अभी इस वक्त आपको क्या लगता है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें सीएम फेस कोई है यहाँ पर, या आपके हिसाब से सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? मुझे बना दो यार, मैं यही सुनना चाहता था। और अच्छा अगर आप बना दो, आप ओपोजिशन में किसको देखते हो एज अ सीएम कैंडिडेट? किसी को नहीं, कोई लायक ही नहीं है मुझे नहीं लगता है। अब मैं क्या कहूँ, आपने मुझे पूछा तो मैंने अपनी बात कह दी। अपने आप पे भरोसा दूसरे पता नहीं लगता है कोई उठ पाए सामने। हर्षदेव जैसे मैंने आपको कहा, हमने अपने आप को साबित करके दिखाया अपोजिशन में भी और रूलिंग पार्टी। अच्छा बीजेपी का कौन फेस लगता है जो सीएम कैंडिडेट के लायक? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। इतने बड़े बड़े लीडर है, इतने पुराने पुराने, एक भी नहीं है। आप बताइए है कोई तो? मैं क्या पता, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में थोड़ा मैं बच्चा हूँ, मैं इसलिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे आप, आपको पता है ना जब ये एमएलए नए नए बने थे तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि हर्षदेव इन तमाम एमएलएज और एमएलसीज को ट्रेनिंग देगा पहले, ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था। हाँ जी, ये कब हुआ था? 2014 में। अच्छा। जब मैं हार गया था और ये जीते थे, उन्होंने कहा था ट्रेनिंग आपको हर्षदेव से लेनी है, इसका रिटर्न ऑर्डर सरकार की तरफ से निकला था। ये हुआ, सीरियसली हुआ था ये? मैं नॉन सीरियसली नहीं बात करता। नहीं, अपना वो थोड़ा नॉन सीरियस है ना, इसलिए तो आपने दी भी ट्रेनिंग इनको। अब गधों को धोकर कोई घोड़ा थोड़ा बना सकता है कि साबुन लगा दे तो डायरेक्ट बीजेपी वालों को गधा कहा है आपको? देखो, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा उसके लिए आदमी को अपने में भी थोड़ा सा काबिलियत होनी चाहिए, मुझे दिखी नहीं। और इन्होंने भी शोर किया हर्षदेव हमें क्यों पढ़ाएगा। अच्छा, इन्होंने शोर किया, मैंने कहा मैं भी पढ़ाने वाला है ना। हाँ, वो कौन होता है पढ़ाने वाला? तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा मैं भी गधों को साबुन लगा के घोड़ा नहीं बना सकता हूँ। उस वक्त की सरकार को मैंने ये कह दिया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए मेहरबानी कर, क्योंकि मैं जो है सिखा ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं सिखा पाऊंगा इनको। सही है, सही है। चलिए अजय जी, अब बातें तो बहुत सारी हो गई, आपका भी बहुत वक्त ले लिया, लेकिन मौसम जो है ना बहुत सुहाना बना हुआ है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है, चाय पीने का मन कर रहा है, इसलिए आपको हमने बाहर बिठाया हुआ है। आप ये ना कहिएगा आप जाके कि उन्होंने वो पंखा नहीं था, एसी नहीं था, या हमारे पास एसी वैसी कुछ नहीं है, ये बीजेपी का 5-स्टार दफ्तर नहीं है, ये टूटा फूटा है, ये हमारी दीवारें देख लीजिए, ये टूटी हैं, एक टूटी हुई गाड़ी है, ये चलती नहीं है, एक बार लगी है पैंथर पार्टी की गाड़ी, ये भी नहीं चलती है। किसी ने कहा है ना कि मतलब मजा जो है वो चीजों से या किसी चीज से, लोगों से आता है, है ना? लोगों से आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी लास्ट में मैं यही कह रहा था कि मतलब जैसे मौसम है ना चाय पकौड़े खाने वाला मौसम, ऐसा होता है कि कभी मतलब मौसम अच्छा हुआ चाय पकौड़ा खाने का मन किया? हाँ, ये तो आपको खिलाएंगे अभी चाय पकौड़ा? वो तो हम खाएंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे मतलब घर पे कभी बोल दिया मैडम जी को कि थोड़ा आज पकौड़े हो जाएं तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है, होता ही है। तो साथ में गाना वगैरह गुनगुनाते हैं फिर? ये हमारे मतलब इंटरव्यू का मेन है, गाना बुलवाते हैं। गाना तो मुझे आता ही कोई नहीं है, एक आधा तो आता ही होगा पुराने जमाने में जब आप यंग थे, मतलब एक मैं सुनता हूँ। कौन सा? वक्त पा देंगे जालिम सरकारानू, ऐसी वक्त पा देंगे जालिम सरकारानू। आगे आगे नहीं आता, इतना नहीं आता। आगे बोलो, मैं करके दिखाऊंगा है ना, करके दिखाऊंगा। क्या बात है, चलो थैंक यू सो मच हर्षदेव जी, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। और जैसे कि इन्होंने गाना गाया कि वक्त पा देंगे जालिम सरकारानू, तो अब देखते हैं कि ये वो जो वक्त है वो कब डालते हैं या पाते हैं।
फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वाचिंग द बकवास। एसपी स्मार्ट स्कूल अनाउंसेस रजिस्ट्रेशंस फॉर न्यू एडमिशंस फॉर क्लास 11th एंड 12th। एडमिशन ओपन टिल अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। विजिट www.spsmartschools.com।